नमस्कार, मैं हूं वरुण जौहरी और आप देख रहे हैं द लीगल ऑब्जर्वर। हमारे साथ में हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल ऑब्जर्वर। नमस्कार। गोविंद माथुर जी ने नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है, और आज हम सर से बात करने वाले हैं कि सर, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या आप सोचते हैं कि हिंदी भाषा में भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट्स और जो सुनवाई है वो होनी चाहिए, और अन्य भाषाओं पर भी आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ एक लिमिटेड करके रख दिया गया है इंग्लिश के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई होती है और जजमेंट्स होते हैं उनको? देखिए, इस प्रश्न को हमें भावनाओं से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए और यह बात देखें कि सबसे पहले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इस संबंध में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 पूरा ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डील करता है और इसमें आर्टिकल 348 वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर लैंग्वेज के इश्यू को डील करता है। जी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348, सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज फॉर ऑल काइंड ऑफ डीलिंग्स, ऑल प्रोसीजर इंग्लिश ही होगी। इसलिए अगर हम इंग्लिश से अलग किसी प्रकार की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स के लिए तो एक अलग से प्रोविजन 7 के अंदर एक प्रोविजो दिया हुआ है कि उसके अंदर एक गवर्नर के नोटिफिकेशन के बाद, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद में हिंदी या और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट की जा सकती है। ये जी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर में नहीं, दूसरे प्रोसीजर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये अप्रोप्रिएट समझा कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही रहे, तो निसंदेह भारत के एक विभिन्न स्वरूप को देखते हुए, अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए, मुझे लगता है कि आज भी इंग्लिश अपनी एक रेलेवेंस बनाए हुए है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जहां तक मेरी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर के ऊपर इसमें इस बात का जरूर डिसीजन लिया हुआ है, निर्णय प्रशासनिक स्तर पे लिया हुआ है कि इसके फैसले हिंदी में उपलब्ध हो सकें। ट्रांसलेशन अगर कोई डिमांड करता है तो ट्रांसलेशन हिंदी में होकर के जजमेंट हिंदी में मिल सकता है। मुझे लगता है कि आज की स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के लिए जी भाषा को लेकर के जो स्थिति चल रही है वह सही है। अभी हम जबकि जुडिशियरी पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, इस विवाद को बढ़ाएं कि यहाँ पे सारी रीजनल लैंग्वेजेस भी आए और हिंदी भी हो, जबकि वो हाई कोर्ट्स में चल रही है। मुझे नहीं लगता कि जी सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट सर। इस मोमेंट पर जरूरी है। ओके सर। सर, अगला मेरा आपसे सवाल है कि ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए आप मीडिया की क्या भूमिका देखते हैं? मीडिया की ज्यूडिशरी के अंदर क्या भूमिका है सर? देखिए, आज हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें मीडिया का रोल ना हो, दखल ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि न्यायपालिका के में भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। जहाँ तक जुडिशरी के इंडिपेंडेंस में मीडिया का प्रश्न है, तो मेरा पहला तो मानना यह है कि मीडिया खुद बायस ना हो, बिल्कुल सर। या इस बात को अच्छी तरह समझे कि उसका निष्पक्ष रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मीडिया एक इफेक्टिव रिपोर्टिंग जजमेंट्स की, जुडिशियल प्रोसेस की इनकी करता है तो उसका बहुत उपयोग रहेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक लीगल जर्नलिज्म पूरा अच्छी तरह से डेवलप हो, जो इन दिनों फॉर्चुनेटली हो भी रहा है इस देश के अंदर, जो सारी चीजों को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझे, इस देश की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को समझे और साथ साथ खुद इंडिपेंडेंट रहते हुए रिपोर्टिंग करें, तो निश्चित रूप से वो एक ऐसा मीडिया होगा जो जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट बनाए रखने के अंदर एक महत्वपूर्ण औजार होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद द लीगल ऑब्जर्वर के साथ बातचीत करने के लिए और आपका अनुभव साझा करने के लिए, आपके विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।